गुड मॉर्निंग एवरी वन, दिस इज वर्षा पठारे, वेलकम टू रघुवंश कॉन्वेंट स्कूल, क्लास टेंथ। हिंदी है सब्जेक्ट है आपका, चैप्टर है आपका 14। चैप्टर का नाम है शबरी। ठीक है, शबरी के आप जानते होंगे शबरी के बारे में। जब राम वनवास हो गया था राम जी को, रामचंद्र जी को, भगवान राम को, उस समय जब सीता माता को रावण ने अपहरण कर लिया था रावण ने, तो उस समय सीता मैया को ढूंढते हुए रामचंद्र जी शबरी की कुटिया में पहुंचे थे। उस समय का वर्णन इस चैप्टर में किया गया है। देखेंगे कवि परिचय में, देखेंगे डॉक्टर प्रेम भारती कौन है इसके, डॉक्टर प्रेम भारती जी इस कविता के लिखने वाले हैं, कवि हैं। इनका जन्म 14 मार्च 1933 को मध्य प्रदेश के राजगढ़ ब्यावरा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? राजगढ़ ब्यावरा में हुआ था। इनकी जो काव्य थे इनके, वो थे शबरी, तुलसी के राम, वीरांगना दुर्गावती, भगवान महावीर, बाल कृष्ण, शर्मा नवीन और समरस, भारत के आधार स्तंभ, ये इनकी प्रमुख कृतियां थी। इसका केंद्रीय भाव प्रस्तुत काव्यांश डॉक्टर प्रेम भारती की लोकप्रिय कृति शबरी से उद्धृत किया गया है, मतलब शबरी से लिया गया है। शबरी के प्रख्यात पौराणिक प्रसंग में कवि की कतिपय मौलिक और एकदम नई उद्भावनाओं को प्रकट किया गया है। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, कवि ने नए प्रकार से जो रामायण में से उसको एक प्रसंग को निकालकर नए प्रकार से उसका कविता में वर्णन किया गया है। तो इस कविता को अपन पढ़ते हैं। क्या है कविता? और सत्य ही राम वहां पर पता लगाते मुनिगण से शबरी की कुटिया तक आए प्रेम रूप के मधुवन से। इसका अर्थ, इसकी व्याख्या करते हुए कवि कहता है कि भगवान जो हैं, जो भगवान श्री राम या जो भी भगवान हैं, वो सिर्फ प्रेम के वश में होते हैं, प्रेम के वश में होते हैं, अर्थात भक्त के वश में होते हैं भगवान। तो ये बताना चाह रहा है कवि इसमें, और क्या कह रहा है कि ये सत्य घटना है, ये सत्य है कि जो भगवान श्री राम थे वो ऋषियों से पूछ कर, ऋषि जो जंगलों में ऋषि मुनि मिलते हैं, तो ऋषि मुनियों से पूछ कर किसका, शबरी की कुटिया का पता लगाते हुए वहां पर सुंदर वन में पहुंच गए। ठीक, नेक्स्ट है आपका स्वागत का सुविधान वहां था, स्वयं प्रकृति का उपमा गार, जड़ चेतन सब भूल गया था, देख प्रभु का रूप प्रसाद। आप देखिए स्वागत सुविधान वहां था, जो प्रकृति थी जो पूरी प्रकृति थी, वो किस सारी अपनी शक्ति लगाकर राम, जो श्री राम जी हैं, उनके स्वागत के लिए तैयार थी, पूरी शक्ति से रामचंद्र जी का स्वागत करने के लिए तैयार खड़ी थी। जड़ और चेतन, जड़ माने होता है सजीव, और चेतन जड़ माने होता है सॉरी जड़ जड़ माने सजीव होता है और चेतन माने निर्जीव, मतलब सजीव और निर्जीव, जड़ और चेतन, जो दोनों चीजें जड़ और चेतन सब भूल गए थे। ठीक है, तो
जड़ और चेतन, निर्जीव और सजीव, सभी ये भूल गए थे, सब कुछ भूल गए थे कि कौन निर्जीव है और कौन जड़ है, कौन जड़ है और कौन चेतन है, मतलब कौन निर्जीव है, जड़ माने निर्जीव, और कौन चेतन है, चेतन माने सजीव, कौन निर्जीव है और कौन सजीव है, ये सब भूल गए थे। और सारे इस चीज़ों को भूलकर किनको कि हम जीवित हैं या अमृत हैं, सब कुछ भूल गए थे। किसको देखकर? रामचंद्र जी के रूप को देखकर। रामचंद्र जी इतने सुंदर लग रहे थे कि उनके रूप को देखकर वो सब कुछ भूल बैठे थे। पीत पाडवे पड़े हुए थे वृक्ष के मधुर वृंदावन, उससे चलकर ही कौशल सुत आए थे कुटिया के द्वार। देखिए, जो पीत माने पीले, पावड़े पेड़ मतलब पेड़ों पर जो बेलें चढ़ी हुई हैं, बेलों पर पेड़ों के ऊपर बेल, देखे होंगे आपने बड़े बड़े वृक्ष, उनके ऊपर बेलें चढ़ जाती हैं, तो उन बेलों पर पीले रंग के जो फूल लगे हुए हैं, तो प्रकृति इतनी खुश हो रही है, रामचंद्र जी जब वहाँ से निकल रहे हैं तो वो पीले फूल उनके ऊपर, उनके चरणों में, उन जहाँ पर वो चल के निकलेंगे, कौन? कौशल सुत मतलब कौशल्या के लाल, कौशल्या के पुत्र श्री राम कहाँ पर निकलेंगे? इधर से निकलेंगे, किसकी ओर? शबरी की कुटिया की ओर निकलेंगे। तो वहाँ पर उन पीले फूलों का बिछोना हो गया है। खड़ा गगन का दीप स्वयं ही लिए सूर्य की ज्योति महान, ताराओं के पुष्प अलिच्छित धूप आरती का भगवान। अब देखिए, जो आकाश है, गगन माने आकाश, जो आकाश है वो क्या? भगवान की आरती करना चाह रहा है। तो भगवान की आरती किससे कर रहा है? किससे कर रहा है? सूर्य की ज्योति। उसके पास कोई थाली नहीं है, दीपक नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो काय से आरती करेगा? सूर्य रूपी दीपक से, सूर्य रूपी दीपक को लेकर, और ताराओं के पुष्प अंजलित, जो धूप अगरबत्ती लगाना है तो वो काय से करेगा? वो जो तारे हैं, अदृश्य हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उनकी फूल रूपी मोहक खुशबू से क्या करेगा? आरती करेगा। किसकी? श्री राम की। आरती के लिए तैयार है, वो आरती करने के लिए खड़ा है। आगे है, द्विजगण शंकरोचार सुनाते शुभ गमन में रघुवर के, शबरी अचानक देख रही थी आज उन्हें जी भर भर के। देखिए, द्विज माने कौन होता है? ब्राह्मण, ब्राह्मण गण मतलब ब्राह्मण जो हैं, शंकोचार सुनाते, ब्राह्मण क्या कर रहे थे? उनके स्वागत में शंख बजा रहे थे। शुभ आगमन में रघुवर के, जो शबरी के घर पर, शबरी की कुटिया पर जब श्री राम आकर खड़े हो जाते हैं, तो उनके शुभ आगमन में जो द्विज हैं, जो ब्राह्मण हैं, वो शंख बजा रहे हैं। और शबरी अचानक, शबरी को पता नहीं था कि श्री रामचंद्र जी आने वाले हैं, तो शबरी जब अचानक उनको देखती है, आज उन्हें जी भर भर कर, शबरी उन्हें अचानक देखती है, जी भर के देखती है, क्योंकि और आश्चर्यचकित हो जाती है उन्हें देखकर, और उन्हें निहारती रहती है। आगे देखेंगे, श्याम सुवर्ण तन कमल नयन थे, जटा मुकुट सिर पर अभिराम,
धनुष बाण तरकश को धारे सुंदर के सुंदरता के कोटि लमा। देखो श्याम स्वर्ण, श्याम मतलब श्याम वर्ण को धारण करे हुए, श्याम रंग को धारण करे हुए, और उनके नैन, उनकी आंखें कैसी दिख रही थी, कमल के समान उनकी आंखें, जटा मुकुट और उनकी जटा मतलब उनके जो बाल थे वो बंधे हुए थे सिर पर अभिराम, और सिर उनका बंधा हुआ था, मुकुट धारण करे थे। धनुष बाण तरकश को धारे, और उनके तरकश में धनुष और बाण लगे हुए थे, धारण करे हुए। सुंदरता के कोटि लाला, और इतने सुंदर लग रहे थे कि मतलब उनकी तुलना कैसे करें, करोड़ों सुंदरताओं से करिए, कि वो इतने अच्छे लग रहे थे, इतने अच्छे लग रहे थे कि करोड़ों सुंदरताओं के समान वो लग रहे थे। अब आगे देखेंगे, दीर्घ नेत्र कर सुभग सलोने, हाँ ये ही हैं अवध भुवान भुवाल, लेश मात्र संदेह नहीं है आज मैं अरे निहाल। तो देखिए दीर्घ नेत्र मतलब दीर्घ माने बड़े बड़े नेत्र, बड़ी बड़ी आंखें, और हाथ सलोने, हाथ उनके कैसे सुंदर, सलोने हाथ और सौभाग्यशाली हाथों को देखकर, जरा भी अब जो शबरी है उनको जरा भी संदेह नहीं है, जरा भी तनिक मात्र भी, लेश मात्र मतलब तनिक मात्र भी उनको संदेह नहीं है कि जी कोई और नहीं है, ये तो मेरे श्री राम है। आज हुई मैं अरे निहाल, और उनको देख देख कर ही वो अपने आप को निहाल हो गई, अपने आप को धन्य समझने लगी। वंदन में क्या गीत सुनाऊं, कहां आरती का सामान, उसकी मन विहलता पा कर हसे तभी अनुज भगवान। अब देखिए वंदन में क्या गीत सुनाऊं, आपको मन में सोच रही है कि मैं ना इनकी आरती कैसे करूं, इनका स्वागत मैं कैसे करूं, इनकी आरती वंदना मैं कैसे करूं, और मेरे पास तो आरती के लिए कोई सामान भी नहीं है। उनके मन की हालत, उनकी जो अंदर की जो हृदय की जो हालत है, उनकी स्थिति ऐसी है शबरी की, और इस स्थिति को देख कर जो श्रीराम है अपने भाई अनुज मतलब अपने छोटे भाई के साथ जो आए हुए हैं, तो अपने छोटे भाई के साथ वो क्या है, जो भगवान है वो उनको देखकर शबरी को देखकर हंसने लगते हैं। वाणी थी अवरुद्ध प्रेम में, परम शांति थी हर्ष विभोर, चरण पकड़कर निरख रही थी पुनी पुनी कृपा सिंधु की ओर। अब क्या हुआ, वाणी अवरुद्ध प्रेम में कुछ बोलना चाह रही थी, पर वाणी उनकी श्री राम को देखकर, वाणी उनकी जो थी स्वर थे उनके वो विरुद्ध अवरुद्ध हो गए, वो निकल बाहर ही बोल ही नहीं पा रही। परम शांति शांत थी हर्ष विभोर, और खुशी तो वो इतनी हो रही थी, बहुत खुश हो रही थी श्री राम को देखकर, उनको बहुत खुशी हो रही थी, पर शांत थी वो, कुछ बोली नहीं, शांत थी। चरण पकड़कर, अब उनके श्री राम के चरणों को पकड़ लिया और उनकी तरफ बार बार पुनी पुनी कृपा सिंधु की ओर, और बार बार उनको जो श्री राम है उनको बार बार देख रही थी, बार बार निहार रही थी। मृग छाल का आसन देती शुद्ध स्वच्छ तब दोनों को, और भोग हित पैर भेंट को लगी देखने कोनों को। अब क्या है, उनका स्वागत किया सब किया, अब उनको बिठाना है, आसन देना है उनको, तो मृग छाल हिरण की खाल, मृगों की खाल का आसन बनाया उन्होंने, और दोनों भाइयों को वहां पर बिठाया। अब बैठा दिया, बिठाने के बाद
उनके स्वागत में भोग लगाने के लिए चारों ओर निहार रही हैं। जो उनकी कुटिया है उनकी कुटिया में बेर रखे हुए हैं, तो चारों ओर कोनों को अपने कुटिया के चारों कोनों को वो देख रही हैं। वन से चुन चुन कर जो मीठे बेर नित्य वह लाई थी, बड़े प्रेम से उनको देने मन ही मन ललचाई थी। वन जो वनों में अगर जाते हैं तो वन के वन में अपने को कंदमूल फल फ्रूट यही अपने को खाने के लिए मिलते हैं। तो शबरी भी क्या करती थी, रोज जाती थी मन में और मीठे मीठे बेर चुन चुन कर मीठे मीठे बेर श्री भगवान श्री राम के लिए मीठे बेर लेकर आती थी और उनको बड़े प्रेम से खिलाने के लिए वो आतुर हो रही थी कि ये मीठे मीठे जो बेर हैं मैं अपने श्री राम को खिलाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये कंप्लीट हो गया है। तीन पैरे और बचे हुए हैं इनके, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इनको भी कंप्लीट करूँगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। स्टे होम एंड स्टे सेफ।